हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो क्यू बेसिक को लेकर के और छोटा सा एक लूप का प्रोग्राम फॉर लूप को कैसे यूज कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्यू बेसिक ओपन है, यहाँ पर सबसे पहले मैं cls कमांड टाइप करूंगा। तो यहाँ पे लिखा cls यानी क्लियर स्क्रीन, तो यहाँ से स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रिंट करवाएं, तो क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख देंगे, लाइक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं वन, ठीक है, या फिर प्रिंट करवाना चाहते हैं ए, जो भी प्रिंट करवाना चाहते हैं यहाँ पे लिख देंगे, और लिखने के बाद एंटर करेंगे और एंटर करके इसको एंड कर देंगे, ई एन डी एंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंड कर दिया मैंने, और यहाँ पे प्रिंट क्या लिखा है, वन लिखा है, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या, क्या ये प्रोग्राम चलेगा, तो एफ फाइव करके इसको चलाते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम चलता है या नहीं। आप ये फाइल जो है एक्सिक्यूट होने वाली है, जैसे ये फाइल एक्सिक्यूट हो जाएगी हमें आउटपुट भी दिखेगा, तो एक बार देखते हैं। ये फाइल अब एक्सिक्यूट हो चुकी है, अब इसका आउटपुट हमें दिखेगा। तो यहाँ पे वन प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पे वन प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ पे टू प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे टू प्रिंट करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टू लिखा और यहाँ से फाइव करेंगे, एंटर करेंगे, ये टू भी आउटपुट में प्रिंट होता हुआ नजर आएगा रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं ना। हम चाहते हैं एक से लेके दस तक, एक से लेके बीस तक ये प्रिंट हो जाए, तो इसके लिए हमें लूप का यूज करना होगा। तो हम बात कर रहे हैं फॉर लूप की, ठीक है। तो चलिए अभी हम लूप लगाने वाले हैं, तो चलिए लूप लगाते हैं। यहां से यहां पर क्लिक कर देता हूं, सीएलएस यानी कि क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए पुराना आउटपुट हट जाता है। यहाँ पे फॉर लूप लगाया हमने, ठीक है, और एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम एक वैल्यू स्टोर कराते हैं जो है वन, ठीक है ना। यानी फॉर में जो फॉर लूप लगाया हमने उसमें एक वेरिएबल बनाया आई नाम से, और उसमें वैल्यू स्टोर करा दिया वन, और एक से लेके हम 50 तक इसको चलाना चाहते हैं या 10 तक चलाना चाहते हैं, मान लीजिए 10 तक, ठीक है ना। तो ये 10 कर देंगे, तो यहाँ 10 करके अब जब प्रिंट करवाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा, यहां पे देखिएगा, इसको पहले हटा देता हूं, ये टी, अब एंटर करता हूं, यहां पे आ गए, यहां पे प्रिंट लिखूंगा, और प्रिंट लिख करके आई को प्रिंट करवाऊंगा, किसको प्रिंट करवाऊंगा, आई, ठीक है ना। और आई को प्रिंट करवा करके यहाँ पे क्या करना है, जब आई को प्रिंट करवा देंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट लगाएंगे, फॉर नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे आई को प्रिंट यहाँ पे आई दे देंगे, और यहाँ से अब इसको चलाएंगे तो ये अब एक्सिक्यूट हो जाएगी हमारी फाइल, और एक्सिक्यूट होने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ये एक्सिक्यूट होगा तो एक्सिक्यूट होने के बाद आप इसका आउटपुट देख पाएंगे। तो देखिए ये आउटपुट है आपका, यहाँ पर 10 तक हमने चलाया था, और आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं ये एक से लेके 10 तक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। क्या होगा अगर हम चाहें एक से 20 तक प्रिंट करना, तो खाली यहाँ पे 20 लिख दीजिए, देखिए एक से 20 तक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइव करके रन करा दिया, इसको चला दिया, अब देखेंगे तो एक से 20 तक प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट भी आ जाएगा। तो देखिए एक से 20 तक जो है ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कहानी कुछ ऐसी हो कि हम चाहते हैं एक से 20 तक नहीं, हम गैपिंग चाहते हैं, गैपिंग क्या चाहते हैं, गैपिंग चाहते हैं, तो गैपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहां पर थोड़ा सा चेंजेस हमें करना होगा गैपिंग के लिए। क्या करेंगे गैपिंग के लिए, एक से तो स्टार्ट किया हमने, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, एक से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या करता हूं, टू से स्टार्ट करता हूं, टू से, ठीक है ना, गैपिंग करता हूं, टू का टेबल प्रिंट करा देंगे, टू का टेबल कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे स्टेप लिखेंगे, स्टेप, ठीक है ना। आपको याद होगा पाइथन में हम लोग रेंज का यूज करते हैं, ठीक है, स्टेप टू, यानी दो दो के गैपिंग पे प्रिंट कीजिए। अब देखिए ये चलेगा प्रोग्राम, और जैसे ही रन होगा तो दो का पहाड़ा प्रिंट हो जाएगा, समझ रहे बात को, ये देखिए जैसे ही एक्सिक्यूट हो जाएगा ये प्रोग्राम, अब देखिए एक्सिक्यूशन में लग गया है ये, और इसका आउटपुट अब आने वाला है। तो देखिए ये दो का टेबल, दो दुना चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो पच्चे दस, ठीक है ना। तो 10 तक ये प्रिंट किया, ठीक है। अगर आप 20 तक चाहते हैं तो यहाँ 20 कर दीजिए, तो पूरा दो का पहाड़ा 10 बार प्रिंट हो जाएगा, यानी दो का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये 20 कर दिया मैंने, और अब F5 किया, तो देखिए 2 का पूरा टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है ना, 10 तक का पूरा टेबल 2 का प्रिंट कर देगा। ये तो आउटपुट आएगा, तो अभी आप देख ही पाएंगे, ये देखिए दो दुना चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, दो पांच दस, दो छह बारह, दो चौदह, और ये पूरा 2 का टेबल। अगर 3 का टेबल प्रिंट कराना हो तब क्या करेंगे, तो 3 का टेबल प्रिंट कराना होगा तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, ये 3 लिखा, और 3 के लास्ट में, 3 के टेबल के लास्ट में क्या आता है, ये 3 कर दिया आपने, और 3 के टेबल के लास्ट में आता है 30, तो यहाँ पे 30 कर देंगे, और गैपिंग तीन तीन की हो जाएगी, तो स्टेप को 3 कर देंगे, यहाँ से खाली स्टेप को 3 कर दीजिएगा, बाकी अब 3 का टेबल प्रिंट होने वाला है। तो इसको आप देख सकते हैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा है, और अब ये 3 का टेबल प्रिंट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर अब आउटपुट हमारा आ गया है, देख सकते हैं ये, तो ये देखिए ये 3 का टेबल, 3 × 6 × 3 × 9, देखिए पूरा 3 का टेबल आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप लूप का यूज कर सकते हैं, लूप का यूज क्यू बेसिक में भी किया जा सकता है, ठीक है ना।
तो ये देख लीजिए प्रोग्राम, इसी तरीके से करके आपको लूप का यूज करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।